चलो यार लेट हो गया मैं। हाँ भाई क्या हो रहा है? तैयारी से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तुम्हें तैयारी से पता नहीं लग रहा, मेरे पीछे पीछे घूम रहा वो। मैं भाई देख नहीं रहा कहाँ गया हूँ मैं, बताओ भाई। गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ था, वो नहीं चल रहे आजकल पेपर चल रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, कहीं ये चीज़ कोई ले नहीं लेना किसी चीज़ में। खैर तो दोस्तों यार मैं जो हूँ यार, वो समझा ने सही बात बोली, पेपर तो नहीं लेकिन एजुकेशन के एक हवाले से गया था एक सेंटर में, तो कोर्स के चक्कर में गया था दोस्तों कि वो कोर्स क्या है क्या नहीं, तो स्लिप देकर आया हूँ। अब देखें उस कोर्स में हमारा एडमिशन होता है या नहीं, तो वो चीज़ देने गया था। बाकी यार सुबह दोस्तों सेटअप पे सबको, जो सेटअप पे सुबह तो मैंने सबको खिला दिया था दाना पानी, सबको दे दिया था। क्या है कहा चाहिए यार, ये बहुत परेशान करता, बहुत परेशान करता है यार। दोस्तों खाना बना के सबको एक एक करके हम खोलना शुरू करते हैं। और यार कल जो मैंने बच्चे को देखा था, उसकी भी देखने के वो सेट है या नहीं। अरे माशाल्लाह यार खिला रही है अपने बच्चे को, तो टाइम पे नज़र पड़ गई मेरी यार। ये बस इसका पोटा भर दे और मैं अभी थोड़ी बहुत रोटी ला के इसको थोड़ी और खिलाऊंगा, क्योंकि देखें इसका पोटा बिल्कुल भी नहीं भरा हुआ दोस्तों। ये देखें बिल्कुल भी पोटा नहीं भरा हुआ इसका, बिल्कुल भी। आ जाओ रैबिट बेबी दिखाऊँ आपको। तुम यार रोटी हो गई यार, जल्दी कर लो देर हो जाएगी यार, हम बहुत देर हो गई है। रैबिट बेबी नहीं देखना है? नहीं भाई इसको पता नहीं क्या है। तो यार दोस्तों रैबिट्स को भी खोल देता हूँ मैं, काफी टाइम हो गया। क्या है क्या, इधर आ जाओ कशान, इधर आओ। क्या हुआ अभी, ये कहाँ से बैठा हुआ? पकड़ 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 आराम दे यार, एक मिनट रुक तो जाओ, उड़ जाएगा इतनी देर में वो। पकड़ ले दबा दे हमदा, ये तो ऐसे ही आ गया हाथ में, ये तो ऐसे ही आ गया, उड़ा ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं है। अबे नहीं 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 नहीं, बीमार है बीमार है। एक मिनट रुको, लकवा हुआ है। अरे हाँ लकवा है, हाँ दोस्तों पूरा लकवे में आया हुआ यार, और अच्छा खासा लकवे में आया हुआ ये। ये देखें पूरी गर्दन, हम ना इसको छोड़ के देखूं लकवे में, लकवे में। अरे 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 बहुत ज्यादा आ रहा है यार, हमने बहुत ज्यादा, और बच्चा है ये। अरे 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 भाई आ गया, बहुत ज्यादा लकवे में आया हुआ है यार, इसका दिल कितनी तेज तेज धड़क रहा है। चलें यार दोस्तों इसको रख देते हैं अंदर, इस वाले पिंजरे में डाल दूंगा। हैं यार मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, तुम नजर किसकी तुम्हारी पड़ी थी? हाँ तो इतनी देर से, तो यार अपन हम इतनी देर से दोस्तों आए हैं, अपन ने फोन नहीं किया, छुपा हुआ भी तो पीछे बैठा हुआ था ये। अब हाथ आ गया दोस्तों, इसको तो रेस्क्यू करना हमारा फर्ज है, तो इसको रेस्क्यू करते हैं, अभी रखता हूँ और इसका इलाज करना है फिर यार। चलो अंदर जाओ तुम अभी, चलो चलो चलो, चलो। अरे यार बहुत ज्यादा इसको हमदा बहुत लपेटे में आया हुआ है यार, ये देखो ना कितना। चलो यार इसको देखते हैं। तो यार दोस्तों खाना पीना करके इसको फिर हम सेट करते हैं, देखते हैं कि इसको आखिर कितना क्या हुआ हुआ, और अब इसको रखना कहाँ, इसको हवा से बचाना है हमने पहले। पहले खाना खिलाते हैं फिर करते हैं सब। किसे खोल, हाँ हाँ देता हूँ अभी उसे दिखा रहा हूँ। यार बहुत जिद कर रहा है दोस्तों, अरे आ जाओ छोटू मियाँ, तुम तो यार बहुत परेशान करते हो। खिलाया खिलाया कम है, कम है, ये लो यार ये लो, इधर आओ ये लो, बच देख लिया खुश, तुमसे छोटा है भी वो। यार कल तक ये दोस्तों जब इसको हम खाना खिला रहे थे मुझे डर लग रहा था, ये सुस्त हो रहा था थोड़ा, तो शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी बेटर है। बाकी मैं इसको यार थोड़ा सा रोटी खिला दूं दोस्तों, ताकि इसका जो पोटा कम है ना अभी थोड़ा फुल भर जाए। वाह ये लो भाई, बच्चों के लिए ले आया मैं, अभी गया था ना तो यार मैं काम से गया था, एक दोस्तों छोटे से बुला लिया था नीचे, तो मैंने बोला यार ये भी लेते हुए ही आ जाऊँ। तो यार आज बच्चों को ये खिला के चेक करते हैं, खा भी रहे यानी। अच्छा पकड़ो तो, चार गड्डियाँ आई हैं, खोल लो इसको एक तरफ से, काट दे भले, मैं इनको खोलता हूँ जब तक। यार इनको खोल के दोस्तों फिर डाल देते हैं। तो ये ले यार दोस्तों सारे हमने बच्चे इन लोगों के साथ खोल दिए, हमने डालना, आप देखें ज़रा खाएंगे ये। यार इसको फैला के डालते ना थोड़ा, बोलो तो सही, इसको नॉर्मल डालो, हाँ फैला फैला के डाल दो। अरे बच्चे ना दबा दें यार, ये नहीं दबाएंगे बेटा, बच्चे दूध पी लेंगे हैं। चलो यार नर का खतरा है, नर को हटा लेते हैं हम यार, ये देखो। चलो बेटा खोल ना पिंजरा, खोलो तुम बेटा अभी अंदर जाओ। चलो चलो तुम्हारे को ना थोड़ी देर में खोलते हैं हम। तो यार ये खा पी लें यहाँ पे, अब हम दोस्तों अपने उस पिजन को देखें कि उसका क्या मैटर है। तो दोस्तों कुछ आ गया था मेरे घर में सेटअप के ऊपर, तो ये सारे एकदम चिल्ला रहे हैं और एकदम वो अभी भी डर रहे हैं।
ये अभी भी डर रहा है, पता नहीं क्या है, मेरे मेरे के पीछे डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर। हाँ क्या करना है, निकालो बाहर निकालो। अरे अरे यार बच्चा है ये, बच्चा तो है वो, तो बड़ा बच्चा है, बड़ा नहीं है, बच्चा है यार। ये देखो इधर लाश को थोड़ा रोशनी में यार, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। ये देखो अब इसके ये मारा हुआ भी है और ये छोड़ रहा हूँ ना मैं, तो ये देख रहा भाई ये चल रहा है हवा में बेटा, ये हवा लगी हुई है, हवा लगी हुई है, ये बस लकवे में आ गया, लकवा हुआ। इसका क्या कर, इसका इलाज तो है, इलाज तो है इसका, इलाज इतना नहीं है इसका यार। एक्सरसाइज भी देखी है मैंने और ये हवा में रखा नहीं जाएगा, है ना। तो यार दोस्तों पता नहीं था कि आज हमारे को ये मिल जाएगा, और इसको हमने फिलहाल दोस्तों रेस्क्यू लाजमी करना है। तो हमजा भी मेरे से यही बात कर रहा था कि यार ये जो आया है अब एक तरीके से मेहमान ही समझें, लेकिन बीमार मेहमान है और ये खा लेगा खुद। देखो वही तो बोला, रख के चेक करो, खाता ही नहीं खाता। चलो तुम एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा बाजार रख के चेक करता हूँ, है ना। हाँ यार तुम ये भी सही बोल रहे हो, अगर ये बीमार हुआ यार इसमें पता नहीं खाए ना खाए, उससे चला था कि नहीं यार, कैसे खाएगा, खाएगा खाएगा छोड़ो। लेकिन यार पता तुम्हारे को एक चीज, ये ज्यादा दिन रह नहीं सकते ऐसे घुट के, आजाद परिंदा है ना ये, मर जाता है ज्यादा दिन हमने बंद रखा यार। दोस्तों मुझे ये टेंशन हो रही है ये मर ना जाए, मैं खुद खिला देता हूँ इसको हाथ के जरिए। थोड़ा तो रोटी लाए हो ना तुम यार, बाजरे खिला देता हूँ, तो बाजरा हजम करेगा, रोटी खिला दो। चलो पराठा पड़ा टुकड़े खिला देता हूँ, है ना। तो यार दोस्तों मैं इसको पराठा ही खिला देता हूँ, रोटी जो पड़ी हुई है, जो भी पराठा रोटी एक ही बात है, क्योंकि यार इससे खुद से नहीं खाया जा रहा। ये देखें इसकी गर्दन ही नहीं टिक रही है, तो यार बड़ी बेचारा तकलीफ में आया हुआ। तो इसको खिला पिला के मैं इसको नीचे ले जाके रख देता हूँ, क्योंकि दोस्तों नीचे के सेटअप पर रहेगा, अल्लाह ना करेगा इसमें ज़रा भी बीमारी हुई ना तो हमारे काफ़ी जो जितने परिंदे ना उनका नुकसान पहुँच सकता है। चले यार दोस्तों इसको नीचे शिफ्ट कर दूँ। चलो यार नीचे आ गए हम, अरे 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 आराम से भाई, उधर चले जाओ कोने पे। अरे भाई तो यार दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, देख रहे हैं, ये देखें जंगली कबूतर है, पर यार सही वक्त पे हमारे हाथ आ गया ये, ताकि अब ये रेस्क्यू हो जाएगा दोस्तों, और तरीके से हम इसका इलाज कर देंगे बस सका तो। क्योंकि दोस्तों और लकवे में आने के बाद कबूतर कोई भी नहीं बच पाता, और ये जो गर्दन पे हवा लगती है ना, तो हमदा ने भी मुझे एक चीज़ बताई कि यार इसकी हवा दूसरों को भी ले सकती है। हमदा ने बोला इसको यार अभी नीचे रखना पड़ेगा, और हम इसकी यहीं केयर करेंगे दोस्तों, जब ये सेट हो जाएगा तो फिर इसको हम आज़ाद कर देंगे। यार तुम एक बात तो बताओ, तुमने इतने कबूतर पाले, तुम्हें पता है इसका इलाज होगा या नहीं, कुछ थोड़ा बहुत इसका इलाज नहीं होगा, सेट हो जाएगा मतलब कुदरती, वरना तो ऐसे ही पलता रहेगा ये, मतलब ये फिर अपन अगर अपन सेटअप में नहीं मिला सकते, ये ऐसा हो जाएगा ये जैसे इसको हल्का फुल्का हुआ हुआ है ना यार, ये भी हमारे उसमें आया हुआ था। पर यार हमदा फिर कब तक चलेगा ऐसे, तो ऐसे छोड़ तो नहीं सकते इसको, है ना, मार देगा कोई भी, इलाज नहीं है। चले तो यार दोस्तों छत पे आया, हमारे आया, तो अब हमारी जिम्मेदारी है तो उसको हमने संभालना है। बाकी दोस्तों अगर किसी को इलाज पता है कोई ऐसा जिसको बहुत ज़्यादा इनमें नॉलेज हो, कबूतरों की खास तौर पे मैं इलाज ढूंढूंगा अपनी तरफ से भी, लेकिन जिसको ज़्यादा नॉलेज हो तो भाई लाजमी कमेंट में बताएं मुझे इलाज, मैं इसका पक्का वो इलाज करने की करूँगा, ताकि यार ये सेट हो तो हम इसको जल्द अज़ जल्द आज़ाद कर दें, फिर ये अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी सके। बताया नहीं, क्या नहीं बताया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा 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 अच्छा, तो यार दोस्तों बर्थडे थी मेरी भाई आज, तो इसको याद है, सबको याद थी वैसे तो, मैंने ज़्यादा जिक्र नहीं करा और ना मनाई कोई ऐसी शौक से, क्योंकि दोस्तों बड़े हो गए यार, मैच्योर हो गए, तो बर्थडे मनाने का भी इतना वो नहीं रहा है शौक, और ना हम कोई मनाते हैं यार सीधी बात, तो इस वजह से। खैर मैंने ला बता दूं, तो जिस भाई को कमेंट में विश करना हो कमेंट में कर दे भाई, जिसको भी विश करना हो तो उसको इजाज़त है, खुली कमेंट में लिख दे हैप्पी बर्थडे। तो आज मेरी बर्थडे है 28 दिसंबर, तो दुआओं में यार बस याद रखें और अच्छी अच्छी दुआएं दें। और बाकी दोस्तों मेन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो कबूतर आया है उसके लिए दुआ कर दें, मेरी बर्थडे से ज़्यादा मेरे को वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।